गुड मॉर्निंग गाइस, सिंह जी उठ गई है। सिंह जी और नो मोर सिंह जी है, क्योंकि सिंह जी का सिंह चला गया है। सिंह जी अभी पिंग जी हो गई है। हेलो पिंग जी। ग्लॉको इज सो एंग्री बिकॉज मम्मा पापा सुबह उठ गया है, तो ग्लॉको को भी उठना पड़ा। नेक्स्ट वीक को ग्लॉको का बर्थडे है, सो मम्मी पापा आ रहे हैं। आज ट्रेन है उनका, कल पहुंच जाएंगे। सो इसीलिए बहुत अभी काम का प्रेशर है। ऊपर से इतने दिनों से दोनों बाप बेटी बीमार थे, तो काम कुछ हुआ नहीं। प्लस मम्मी पापा के लिए गद्दा निकालना, धूप में देना, कंबल वंबल वॉश करना, ये सब बहुत काम है। सुबह उठने का अलग ही मज़ा होता है, एक अच्छा सुंदर ठंडा सा फ्रेश हवा चलता है। अगर धूप आता है तो पता है गाइस, सुबह उठना ना बहुत पसंद है। पहले पहले शादी से पहले मैं 6 बजे 5 बजे उठती थी, मॉर्निंग वॉक जाती थी मम्मी के साथ। फिर आके मेरा स्टूडेंट आते थे, उनको पढ़ाती थी, फिर कॉलेज जाती थी। बहुत अच्छा लगता था मुझे और बहुत जल्दी जल्दी सो जाती थी। पर शादी के बाद अनिर्वाण के रूटीन में मैं ढल गई। और अनिर्वाण का एक्चुअली था कि रात तक जागे रहेंगे और सुबह उठ के सुबह जल्दी मतलब नहीं उठेंगे, सोए रहेंगे। तो ये बहुत ख़राब चीज़ होता है। अभी अनिर्वाण बोलते कि तुम उठ जाओ। एक्चुअली रात को सोती हूँ ना, तो मेरा नींद पूरा नहीं होता। और अभी तो मतलब छोड़ ही दो, ग्लॉको फीड करती है तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए। अनिर्वाण के लिए ना आज एक स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। उसके लिए पोटैटो को बॉईल कर लिया है, इसके अंदर बेसिक सा मसाला डाला है, हल्दी, लाल मिर्च, चाट मसाला, नमक। जी ना खा रही है अंडा, ना खा रही है बनाना, सो मम्मा ने तरकीब निकाला, आज तो दोनों खाना पड़ेगा। सिंह जी मैंने लिया है एक मिक्सर जार, जिसके अंदर डाला है एक एग। अंदर मैं डाल दूंगी एक बनाना। नेक्स्ट मैं इसके अंदर डालूंगी ओट्स। मैं ग्लॉको के लिए डिजानो का ओट्स यूज़ करती हूँ, ये 100% होल ग्रेन ओट्स है, यही मैं यूज़ करती हूँ। इसका पाउडर बना के रोस्ट करके रख देती हूँ, तो ग्लॉको को जब भी मतलब इमरजेंसी में कुछ देना है, हम बाहर है, तो वही मैं देती हूँ। तो इसके अंदर मैं ना थोड़ा सा, देखो एक पिंच के बराबर ये है दालचीनी का पाउडर, ये ऐड कर रही हूँ। ये मेरा अवारो की मिक्सर ग्राइंडर है, लास्ट टाइम हमने ये लिया था एंड ये बहुत अच्छा काम की चीज़ है एकदम। इसमें छोटा एक जार है, बड़ा एक जार है, और ऐसे दो ब्लेंडर ब्लेंड करने की भी ऑप्शंस है, ब्लेड्स है। सो जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, एज यू नो हम घर पे ग्राइंड करते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। बस लॉक हो जाता है। अवारो की ये मिक्सर ग्राइंडर बहुत अच्छा है, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं, ये पर स्लीक है। आपका क्या होता है ना कि बड़ा सा एक मिक्सी रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आजकल सभी का किचन छोटा हो चुका है। थोड़ा सा डाल देंगे, हम गरीब आदमी हैं गाइस, हमारे पास ब्लूबेरी या रसबेरी तो है नहीं, तो हम इसमें जो ब्लैक कलर का अंगूर मिलता है ना, उसका छिलका उतार के डाल दिया है। की बोल छे, कान में एलर्जी हुआ है पता नहीं कैसे, अभी कान देखो पूरा एकदम रेड। ठीक हो? कान में प्रॉब्लम, पैर में प्रॉब्लम, इस बार का पता नहीं क्या अजीब फीवर मिला है। ग्लॉको का भी सेम। ग्लॉको की डाइपर रूटीन शेयर करने के लिए आप लोगों ने बोला था, तो बेसिक सा हम एकदम डाइपर हाइजीन मेंटेन करते हैं और दिन में 3-4 घंटे उसको डाइपर फ्री रखते हैं। तो कभी भी बच्चे को आप इसी तरीके से रखोगे तो उसको कभी रैशेस नहीं आएगा। तो फिलहाल हमने जब वो डाइपर फ्री टाइम में रहती है, उस टाइम के लिए हमने लव लैब का ये रीयूजेबल क्लॉथ डाइपर लिया है। ये क्लॉथ डाइपर आप 3 महीने से ऊपर के बच्चे में यूज़ कर सकते हैं। सो क्लॉथ डाइपर इसीलिए हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ना नैपी में, नैपी गीला हो जाता है एक बारी में ही सुसु करने पे, तो उसको चेंज करना पड़ता है। बच्चा अगर सोया हुआ है, नैपी गीला हो गया है, उसको मतलब इरिटेशन होता है, स्पेशली सर्दी के टाइम पे उसको गीला फीलिंग होता है। लव लैब का ये क्लॉथ डाइपर का अंदर का जो फैब्रिक है वो बैम्बू चारकोल फैब्रिक है, इसीलिए इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है और बच्चे को कभी भी ये फील नहीं होता है कि गीला हो गया है। इसमें डबल लीक गार्ड है, इसीलिए सुसु जो है ना बाहर नहीं निकल के आता है। जैसे हम लोग डाइपर यूज करते हैं वैसे ही इसको आप यूज कर सकते हैं। ये स्टेन प्रूफ है, इसका तो कलर आप देख सकते हो ग्रे कलर में है। ऊपर से इसका जो फैब्रिक है इसमें पॉटी या सुसु का जो स्टेन है वो दिखता नहीं है। इसका एब्जॉर्प्शन बहुत हाई है, बच्चा 3-4 बार सुसु
सुसु आराम से ये सोक कर लेता है। तो बच्चा अगर नींद में है, सुसु कर रहा है, फिर भी आप क्लॉथ डाइपर में उसको रख सकते हैं, इवन रात के टाइम पे। बाहर का जो ये फैब्रिक है ना, ये वाटरप्रूफ है एंड ब्रीदेबल है, इसीलिए सुसु लीक करके बाहर नहीं आएगा। ये सॉफ्ट एंड स्किन फ्रेंडली भी है। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रिपल वेस्ट एडजस्टेबल स्नैप बटन्स है, बच्चे की एज के हिसाब से आप बटन्स को ऊपर नीचे लगा के एडजस्ट कर सकते हैं। ये क्लॉथ डाइपर आप देख रहे हो ना, इसका बहुत सारा कलर ऑप्शंस भी है, सो इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। अगर आपको भी अच्छा कोई क्लॉथ डाइपर चाहिए तो इसका लिंक एक बार जरूर चेक करना। ब्रेकफास्ट में मैं आज वायरल पराठा बना रही हूँ, जो इंटरनेट पर बहुत वायरल है, तो चलिए देखते हैं कैसा बनता है। मैंने एक पराठा बेल लिया है और इसको ऐसे चीर दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं ये आलू की जो स्टफिंग बनाया था वो डालूंगी ज़्यादा करके। नेक्स्ट इस साइड पे मैं अनियंस डालूंगी, एकदम छोटे छोटे स्लाइसेस में मैंने अनियन चॉप किया था। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दूँगी। नेक्स्ट मैं डाल दूँगी चीज़, थोड़ा सा हरी मिर्च एक दो डालूँगी, क्योंकि अनिर्बान को अभी इतना तीखा खाना पसंद नहीं आ रहा है। कैसा लग रहा है देखो देखने में कैमरा मैन? देखने में तो अच्छा लग ही रहा है। मैं यहाँ पे ये जो है ना बीट लूँ रॉक सॉल्ट, अभी इस तरह से मैं इसको ऐसे रोल करूँगी, एक साइड हो गया फिर दूसरा साइड हो गया, अरे ये करने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, फिर ये तीसरा साइड भी हो गया। अभी हम इस पराठे को सेकेंगे, ठीक है। बस ऑयल डाल के दोनों साइड से जैसे हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं ना, ऐसे ही आपको इसको फ्राई कर लेना है। कहाँ से खाएगा अनिर्बान तो वही सोच रहा है पहले। गरम टेस्ट आ रहा है। इस रूम में ये जो बेड है ना, इसके नीचे और दो ऐसे मोटा सा गद्दा है, घर पे कोई जब आता है तब हम उसको निकालते हैं, धूप देते हैं एक दिन पूरा, उसके बाद उनका बेड बनाते हैं। ये गद्दा इतना भारी है ना गाइस कि मैं अकेला निकाल नहीं पाती हूँ, और अभी मेरा तो मतलब मना ही था ज़्यादा वेट कैरी करना, अभी एक साल हो गया है अभी कर सकती हूँ। और अनिर्बान थोड़ा सा वीक है, वायरल फीवर, उसके बाद एंटीबायोटिक में ना बहुत वीक बना देता है बॉडी, और ऊपर से तो पता है कुछ खा भी नहीं पा रहा है, तो नहीं तो दो दिन पहले हम उसको कर लेते, पर मम्मी पापा ट्रेन में चढ़ चुके हैं, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी देखते हैं। वो लोग आगे खुद ट्रेन करेंगे। हाँ मैं इसीलिए अनिर्बान को बोली कि चलो अभी करना है तो करो, नहीं तो धूप चला जाएगा ना, उसके बाद आने का कोई फायदा नहीं है। चलो क्या, चलो शुरू करते हैं। फेसबुक पे मैं ऐसे पोस्ट देखती हूँ कि घर पे अगर बीवी ने कुछ बोल दिया तो वही होगा, नहीं तो वो बड़ा झमेला होगा, ऐसा हर वक्त नहीं होता है यार। मेरे घर में तो अनिर्बान को जो पसंद है वही करना पड़ता है, जैसे देखो आप कितने सारे प्लास्टिक, ये वॉशिंग मशीन का बड़ा सा पीस बोर्ड, ये सब अनिर्बान जमा के रखा है, क्या करेंगे इसका पता नहीं मुझे, तो इसके ऊपर इसको रखना पड़ता है क्योंकि और कोई स्पेस नहीं है ये सब रखने का। अनिर्बान को ना उच्छे बॉयल नहीं खाना है, उसको फ्राई खाना है, तो मम्मी ना एकदम कम ऑयल में लोहे की कढ़ाई में ये उच्छे और आलू को फ्राई कर देती दिया था, एक दिन अच्छा लगा था वही खाने का उसने बोला करने के लिए। तो पुट गया मैं तो गया मैं तो लुटपुट लुटपुट लगो दे दाओ, थैंक यू मम्मा, दीदी पालना अलग तदा अलग तदा ऐता 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 मम्मा लगो, दिखा रहे कि उसको मखाना खाना है, उसको लगता है उधर मखाना है। ग्लाको मम्मम एता ओ मम्मम सुनछो मम्मम एता ओ मम्मम मम्मम एता दाओ, दीते पारो ना सॉफ्टली दीते हो, मम्मम छुड़े दीते नहीं, थैंक यू मम्मम, ये क्लैप क्लैप क्लैप, ताई दाओ ताली दाओ, हत्तली हत्तली, ये क्लैप क्लैप क्लैप। अच्छा ठाकुर नमो करो मां, ठाकुर नमो करो, ठाकुर नमो करो, ओए बाबले। मम्मी को ज़्यादा ठंड लगती है तो ये जो है हमारा वो सबसे मोटा वाला कंबल है,
तो इसको मैं सोच रही थी कि वॉश करके रखूँगी। तो अनिर्बान को इतना बुखार था ना, इतना मतलब वो शिवरिंग हो रहा था, तो ये सबसे मोटा वाला कंबल लेके अनिर्बान सोता था, तो ये बुखार उतरा है। तो ये सब क्लीन किया है मैंने, टॉवल वगैरह, कंबल। और सिंह जी दाल करके मैंने चिकन कोशा बना दिया है। नहीं नहीं, तीखा नहीं है, ये कश्मीरी मिर्च का रेड रेड है, क्योंकि अनिर्बान को लाल लाल चिकन कोशा पसंद है, पर अभी वो तीखा नहीं खा सकता है। और रेडी है मम्मी का उच्छे आलू फ्राई। सिंह जी का सिंह नीचे हो गया है। सो पिंक जी लंच करने बैठी है, दाल राइस खा रही है, साथ में थोड़ा सा घी और थोड़ा सा हमारा चिकन में से मैंने एक सॉलिड पीस ले लिया है, उसको वॉश करके दे रही हूँ। आज उसके लिए अलग से कुछ नहीं बनाया है। वैसे भी डॉक्टर ने बोला था कि जब ग्लॉको 1 साल की हो जाएगी तब उसको ऐसा होना चाहिए कि हमारे प्लेट से वो खाना खा सके, इतना उसका फ्लेक्सिबिलिटी आ जाना चाहिए। तो अब तो 2-3 दिन ही बाकी रह गया है ग्लॉको का बर्थडे में। ग्लॉको, मेरा बर्थडे आ रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये ऑल डन, लंच हो गया है। अभी मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करना चाहती थी, पर करंट ऑफ है, मतलब पावर कट है, तो इसीलिए कर नहीं पाऊँगी। प्लान था, मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, आपने नोटिस किया होगा, कोई भी ओकेशन से पहले, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, पर हाँ थोड़ा बहुत मेकअप का वर्क मुझे पता है, तो एक बार मैं खुद के ऊपर प्रैक्टिस करती हूँ ताकि फाइनल डे पे मैं ना हो जाऊँ। मेकअप करने पे ये चीज़ तो होती है कि मैं भूल जाती हूँ कि इसके बाद कौन सा स्टेप था, कॉन्सीलर नहीं लगाया, ये नहीं किया, तो उसी लिए मैं एक बार पहले ट्राई करती हूँ। एक 5-स्टार रिसोर्ट पे हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, तो इसलिए मानसिता अभी थोड़ा सा रेडी हो रही है। सबको पता है, बता दिया था कि मैं अभी प्रैक्टिस करने मेकअप किया, उसके बाद सोचा कि मैं व्लॉग में दिखाती हूँ, फिर सोचा नहीं नहीं आपको कैसे दिखा सकती हूँ उस दिन के लिए। हाँ वो सर प्रैक्टिस था, तो अभी मैं मुंह धो के आई हूँ पर मेकअप उतरा नहीं है। सो मैं सोच रही हूँ कि चलो अभी हमारे जो नेबर्स हैं उनको इनवाइट करके आते हैं, क्या 2-4 दिन ही बाकी रह गया। अनिर्बान फिर से हॉस्पिटल गए थे क्योंकि उसके कान देख रहे हो ना, देखो पूरा रेड हो गया है पूरा कान, शायद आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा होगा, ऑब्वियसली आएगा सामने से दिखा रहा है, बहुत रेड हो गया है। सो मैंने बोला था कि उसका ना एलर्जी हो रहा है, इधर इधर रेड रेड हो रहा था, तो डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने बोला जो एंटीबायोटिक लिया था उसका साइड इफेक्ट है, होता नहीं है पर हो गया है, कि क्या कर सकते हैं, तो एलर्जी का मेडिसिन दिया है उसको। तो आई होप अनिर्बान का लाल कान सही सफेद हो जाए जल्द। तो चलो इनवाइटर कहते हैं, हाँ चलो स्वेटर भी देती हूँ। एक फैमिली को छोड़ के सबको इनविटेशन देना हो गया है, वो घर पे नहीं थे एक्चुअली, नीचे वो वॉक कर रहे थे, जब लिफ्ट से हम नीचे गए तो देखा कि लिफ्ट उनके ऊपर चला गया, मतलब वो लोग ऊपर चले गए, ठीक है कल बोल देंगे। तो कल मम्मी पापा भी आ रहे हैं, बहुत मज़ा होगा ग्लॉको के बर्थडे में। आप लोग ग्लॉको की बर्थडे वाला व्लॉग तो ज़रूर चेक करना, बहुत कुछ आइडिया है। उसकी जो राइस सेरेमनी है ना वो बहुत अच्छे से हम कर नहीं पाए थे, मैं बीमार थी, कोलकाता जाके सब अरेंज करना मुश्किल हो गया था हमारे लिए। इस बार हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छा करके करें, आपकी दुआ प्रेयर ज़रूर हमारे साथ रहेगा और हम बहुत अच्छे से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, होप सो, क्रॉस फिंगर, टच उट प्लीज़ आप लोग प्रेयर करना। तो चलो फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।